Welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta, and guys, today we'll be discussing Section 21 and 22 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, which talks about maintenance of dependence. Guys, in my lecture on Section number 18, I've told you that we'll be discussing maintenance under three heads. First is maintenance as personal obligation, which we already discussed in Section 18 and 20 Second is maintenance of dependence. which we'll discuss today under Section 21 and 22 of this Act. गाइज सेक्शन ट्वेंटी वन हमें यह बताता है कि डिपेंडेंस होते कौन हैं एंड सेक्शन ट्वेंटी टू मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंस के बारे में बताता है ऑलराइट इट टॉक्स अबाउट जनरल रूल्स अबाउट मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंस सो विल बी डिस्कसिंग बोथ दीज लेक्चर अब गाइस सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डिपेंडेंट्स होते कौन हैं अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं सो so इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अ अन्सेप्ट और अ टर्म कॉल्ड डिसीज हिंदू डिसीज हिंदू का मतलब है एक ऐसा इंसान जो हिंदू रिलीजन को बिलोंग करता है और वो मर चुका है right. अब यहां पे विल बी रिवॉल्विंग अराउंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिस हिंदू सबसे पहले इज डिपेंडेंट हर इंसान वही होगा जो हिंदू है बाय रिलीजन सेक्शन ट्वेंटी फोर ऑफ दिस एक्ट यही कहता है कि मेंटेनेंस उसी इंसान को दी जाएगी जो हिंदू है बाय रिलीजन और जो इंसान हिंदू नहीं है दैट पर्सन विल फोफिट

Testamentary succession तो फिर नहीं होगी लेकिन succession होती है। अब जब सक्सेशन होती है एक इंसान के के जाने के बाद, तो उसकी उसके, property, उसके legal को मिल जाती है, यानी कि उसके वारिसों को प्रॉपर्टी चली जाती है All right. अब होता क्या है कि जो इंसान मरा है उसकी कुछ ऑब्लिगेशन थी टूवर्ड्स रिलेटिव्स ऑफ दिस पर्सन इसके कुछ रिलेटिव्स थे जिनको मेंटेन करने की इस इंसान की रिस्पांसिबिलिटी थी बट क्योंकि इंसान नहीं रहा तो ये ऑब्लिगेशन इससे हटके इसकी स्टेट इसकी प्रॉपर्टी पे जा चुकी है बट वो एस्टेट और प्रॉपर्टी अब उसके लीगल एयर्स के हाथों में है तो हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो लीगल एयर्स हैं इस डिसीज हिंदू के उन पर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है कि उनको इस इंसान की प्रॉपर्टी से इसके रिलेटिव को मेंटेन करना होगा जो इस पर डिपेंडेंट है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम आई होप गाइज आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट जो लीगल एयर्स हैं उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इस इंसान के रिलेटिव्स के साथ उनकी कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी टू मेंटेन द रिलेटिव्स ऑफ दिस डिसीज पर्सन हु आर डिपेंडेंट ऑन हिम और वर डिपेंडेंट ऑन हिम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम राइट इसकी एस्टेट और इसकी प्रॉपर्टी जो उन लोगों ने इनहेरिट करी है उस प्रॉपर्टी से इसके रिलेटिव्स को आपको मेंटेन करना होगा क्योंकि लीगल एयर्स पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए है क्योंकि उन्होंने इस इंसान की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है और उस प्रॉपर्टी पे ऑब्लिगेशन थी तो इनडायरेक्टली उन लोगों पे भी ऑब्लिगेशन आ चुकी है सो so, डिपेंडेंट्स हम ये कहेंगे कि डिपेंडेंट्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मेंटेनेंस के लिए जो अपने खर्चे पानी के लिए किसी एक ऐसे इंसान पर डिपेंडेंट है जो अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उस इंसान से पर्सनली तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिल सकती तो कोशिश की जाती है कि उसकी एस्टेट से या उसकी प्रॉपर्टी से आपको मेंटेनेंस दी जाए तो जिस भी इंसान के हाथों में उसकी एस्टेट और प्रॉपर्टी होगी इट विल गो टू देयर हैंड्स सब्जेक्ट टू अ कंडीशन कि उन लोगों को मेंटेन करना होगा जो लीगली बाउंड है आई होप गाइस आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है तो डिपेंडेंट्स को हम अगर मैं आपको बताऊँ तो डिपेंडेंट्स आर सर्टन रिलेटिव्स ऑफ अ डिसीज हिंदू हु क्लेम मेंटेनेस आउट ऑफ हिज प्रॉपर्टी आउट ऑफ हिज इस्टेट विच इज नाउ इन दी हैंड ऑफ लीगल एयर्स बट लीगल एयर्स आर नॉट एट ऑल वट्स ऑब्लीग टू मैंटेन हिज रिलेटिव इस इंसान के रिलेटिव को पर्सनली मेंटेन करना उनकी ऑब्लीगेशन नहीं है देटेन हिज रिलेटिव आउट ऑफ दट देर इनहेरिटेड एंड लीगल एयर्स आर लीगली बाउंड टू नो टू मेंटेन देम सो हम ये बोल सकते हैं कि लीगल एयर्स आर लीगली बाउंड लॉफुल तरीके से वो मना नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी ली है तो राइट्स के साथ साथ ऑब्लिगेशंस भी आती हैं कि आपको मेंटेन करना होगा सो so, आपके जो लीगल एयर्स है दे आर लीगली बाउंड टू मेंटेन द रिलेटिव ऑफ़ दिस पर्सन राइट हुपेंडेंट ऑन दिस पर्सन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम आउट ऑफ हिज इस्टेट एंड नॉटर्सन आई हो चुका है कि डिपेंडेंट होते कौन है सो गाइज आप ये समझ लेते हैं कि कौन कौन सेक्शन ट्वेंटी फादर मदर विडो सन एंड डॉटर ये सारे लोग उसके डिपेंडेंट्स अलॉन्ग विदर रिलेशन विच इज सन ऑफ अ सन देन सन ऑफ अ सन ऑफ अ सन तो ये जो चीज़ है ये भी सारे आपके डिपेंडेंट्स हैं ठीक है थीके? आपका बेटा देन उसका बेटा और उसका बेटा सो वी कैन से सन ऑफ डिसीज दे ग्रैंड सन ऑफ डिसीज दैन ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ डिसीज आगे उन दोनों के विडोज आ जाती है एंड देर डॉटर्स आई होप बज ये भी चीज़ क्लियर हो चुकी है अलॉन्ग विद विडो डॉटर गाइज ये भी एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक बार लीगल टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये इंसान डिसीज है हमें मान के चलते कि जब इसके बेटे की डेथ हो जाएगी तो जो उसका आगे बेटा होगा उसको हम बोलते हैं सन ऑफ प्रीडिसीज प्री मीन्स पहले चला गया इस इंसान की डेथ से पहले इसके फादर की डेथ हो जाती है तो ये प्री बन जाता है राइट सो दिस इज सन ऑफ प्रीडिसीज सन एंड दिस इज सन ऑफ सन

ऑल राइट ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है एंड गेज बीन रिटर्न नो वेयर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि दे आर एंटाइटल टू क्ले मेंस फ्रॉम दिस पर्सन प्रॉपर्टी ओनली एंड ओनली इफ दे आर अनेबल टू मेंटेन दें फ्रॉम देयर इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ अर्निंग ऑर प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि चाहे वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ देयर सोर्स ऑफ अर्निंग और प्रॉपर्टी इफ दे दे हैव एनी आर एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस क्योंकि वो डिपेंडेंट्स हैं सेक्शन 21 के तहत इन लोगों को मेंटेनेंस डेफिनेटली दी जाएगी उनके बेटे की प्रॉपर्टी में से जो आगे उसके बेटों के पास जा चुकी है क्योंकि वो लीगल एयर्स है उन्होंने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है नो एज फार एज कॉन्सेप्ट ऑफ विडोज इज कंसर्न गाइज विडोज का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एज फार एज दे आर अनमैरिड जब तक वो विडो है तब तक ही वो मेंटेनेंस क्लेम कर पाएगी दे आर एबल टू क्लेम मेंटेनेंस ओनली एंड ओनली एंड एंडस देर अनमेरिड एंड वंस देर रिमैरि फोट राइट मेंटेनेंस क्योंकि guys, शादी के बाद वो जिस घर में जाएंगी मेंटेनेंस फिर उन्हें उस घर से मिलेगी अपने हसबेंड से मिलेगी फादर इन लॉ से मिलेगी अपने बच्चों से मिलेगी इस घर में इस प्रॉपर्टी से इस इंसान की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस तभी मिलेगी जब तक ये उसकी विडो है जब तक ये अनमैरिड एंड वंस शी गेट मैरी शील फो फिट हर राइट सिमिलर इज द केस विद दीज़ ऑल्सो ऑल ऑलराइट अब गाइज उसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं विडोज की सिचुएशन डिस्कस कर लेते विडो ऑफ सन विडो ऑफ़ सन ऑफ प्रीडिसीज्ड सन अब ये जो विडोज हैं इनको भी मेंटेनेंस तब तक मिलेगी जब तक कि अनमैरिड हैं और जब तक ये इस परिवार की विडोज हैं ठीक है क्योंकि देर हसबेंड है सब्जेक्ट टू तो अ कंडीशन वो कंडीशन ये रहती है कि इस विडो को प्रॉपर्टी पहले अपने हसबेंड की इस से मिलेगी अगर वहाँ से नहीं मिलती या तो इस इंसान से मिलेगी क्योंकि ये मर चुका है तो इसकी प्रॉपर्टी से मिलेगी अगर इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो कोशिश की जाएगी कि इसके जो आगे बच्चे हैं सन एंड डॉटर एज द केस में भी उनसे प्रॉपर्टी मिले या उनकी एस्टेट से प्रॉपर्टी मिले अगर उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है इफ दे आर मेजर एटीन ईयर्स अबव है तो वहां से मिलेगी अगर इस सब के बाद भी कहीं से उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिलती है तभी दिस विडो कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑब्लिगेशन है वो उसके हस्बैंड की या बच्चों की रहती है फादर इन लॉ की ऑब्लिगेशन बाद में आएगी अगर ये अपने हसबेंड की प्रॉपर्टी से या बच्चों की प्रॉपर्टी से इनहेरिट नहीं कर पाएगी मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी सिमिलर इस दिस सन अब इस बच्चे ये जो आपका यू नो ग्रैंड सन है बेसिकली अगर इसकी विडो को इसकी प्रॉपर्टी से या आगे उनके बच्चों से उनकी प्रॉपर्टी से मैंटेनेंस नहीं मिलेगी अलॉन्ग विथ दिस पर्सन अगर आपको उसको अपने फादर इन लॉ से प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी मेंटेनेंस नहीं मिलेगी तो हम कहेंगे कि इस डिसीज के प्रॉपर्टी से उसको मेंटेनेंस मिलेगी सो so आपको सीढ़ियां ऊपर चढ़ते जाना है कि पहले वो मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से क्लेम करेगी फिर वो अपने बच्चों से क्लेम करेगी सन और डॉटर एज द केस में भी उनसे भी नहीं मिलती तो फादर इन लॉ के पास जाएगी फादर इन लॉ से भी नहीं मिलती तो इस डिसीज की प्रॉपर्टी से आपको मेंटेनेंस मिल जाएगी ऑल राइट आई होप दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू उसके बाद टॉकिंग अबाउट विडोड डॉटर काइज एक तो है डॉटर जो अनमैरिड है लेकिन यहाँ पे एक और भी डॉटर है इस डिसीज की जो विडोड है मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है अब वाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हम सेक्शन 19 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो डॉटर होती है ये किसी यह कि अगर ये विदाउट डॉटर है तो ये किसी की डॉटर इन लॉ भी तो है विदाउट डॉटर इन लॉ तो सबसे पहले इस विदाउट डॉटर इन लॉ को मैंटेनेंस उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी से मिलेगी क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो उसकी प्रॉपर्टी से मैंटेनेंस देने की कोशिश की जाएगी अगर वहां से नहीं मिलती तो बच्चों से क्लेम की जाएगी सन और डॉटर एज द केस में भी बेटा हो या बेटी हो उनसे नहीं मिलती तो उनकी प्रॉपर्टी से कोशिश की जाएगी कि उनकी प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस दी जाए इफ दे हैव नो प्रॉपर्टी एट ऑल तो फिर इसके फादर इन लॉ की ऑब्लिगेशन आएगी इसके हस्बैंड के जो फादर थे वो इसको मेंटेनेंस देंगे और अगर वो भी मेंटेनेंस नहीं दे पाते तो उनके फादर से मेंटेनेंस देने की या उनके प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस देने की कोशिश की जाएगी वाइज इस सब के बाद भी अगर इसको मेंटेनेंस नहीं मिलती है तो इस इंसान की ऑब्लिगेशन बनेगी डिस्तीज की कि इसके प्रॉपर्टी से इसको मेंटेनेंस दी जाए तो आई होप आपको सिचुएशन समझ आ रही है कि जब एक लड़की शादी करके किसी के घर पर जाती है तो उसके हस्बैंड की उसके फादर इन लॉ की और उनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमारिली बनती है कि इस इंसान को मेंटेन किया जाए जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं ये सिचुएशन हम पढ़ रहे हैं तो ये भी किसी की विडो डॉटर इन लॉ है राइट right, तो उन पर ऑब्लिगेशन है और उसके बाद अगर मेंटेनेंस नहीं मिलती तो फिर इस डिसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी की इसकी प्रॉपर्टी से इन्हें मेंटेन किया जाए और एज़ फार एज दिस सन एंड डॉटर इज़ कंसर्न सबसे पहली बात तो सन एंड डॉटर चाहे वो लेजिटिमेट है चाहे वो इलेजिटीमेट है दोनों को प्रॉपर्टी मिलेगी राइट अडोप्टेड चाइल्ड पार विद चाइल्ड तो उसको भी प्रॉपर्टी मिलेगी लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड इज नो ग्राउंड टू यू नो डिसव दीज पीपल टू इनहेरिट और टू क्लेम मेंटेनेंस राइट उसके बाद जब तक ये माइनर है मैंने आपको बताया सेक्शन ट्वेंटी में कि जब तक एक बच्चा माइनर है ऑर्डनारिलली मेंस तब तक ही दी जाती है एंड इट शैल सीज डेट ऑफ़ चाइल्ड मेजोरिटी जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा उसके बाद उसको मेंटेनेंस नहीं मिलती एक्सेप्शन चाइल्ड इज परमानेंटली फिजिकली डिसेबल्ड तो उस इंसान को मेंटेन करना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जब तक ये माइनर रहेंगे तब तक उनको मेंटेनेंस दी जाएगी प्लस इफ टॉक अबाउट अ डॉटर डॉटर जब तक अनमैरिड रहती है तब तक उसको मेंटेनेंस मिलती है क्योंकि मेंटेनेंस में लिखा है कि इट इंक्लूड्स रीजनेबल एक्सपेंस ऑफ ऑफ मैरिज अ डॉटर फिर वो चाहे मेजर है चाहे वो माइनर है उसके मैरिज के रीजनेबल एक्सपेंसिस होंगे बट गाइज यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझाना चाहती हूँ जो सन एंड डॉटर होते हैं दोनों को पार्सनर्स होते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में हम देखेंगे कि कोपार्सनरी का क्या कॉन्सेप्ट है एज ऑफ नाव आपको समझ नहीं आएगा लेकिन आप ये मान के चलो कि क्योंकि ये दोनों सन एंड डॉटर एक इंसान के कोपार्सनर्स होते हैं तो हंड्रेड परसेंट उनको प्रॉपर्टी मिलती है कोपार्सनरी का मतलब होता है कि हंड्रेड परसेंट एक बच्चे को बेटा या बेटी कोई भी हो उन्हें अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है तो लिखा यह है कि अगर इन दोनों को आपके फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है देन दीज पीपल विल नॉट क्लेम मेंटेनेंस जिसको प्रॉपर्टी में से हिस्सा ही मिल गया उस इंसान ने मेंटेनेंस क्या करनी है ऑलराइट राइट right. बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो उस प्रॉपर्टी में से बाकी लोगों को मेंटेन करें यही तो कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं तो सन एंड डॉटर बींग को पार्सनर्स डेफिनेटली गेट अ शेयर ऑफ अफ फादर्स प्रॉपर्टी क्योंकि अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं कि इनके एयर्स को प्रॉपर्टी जाएगी इनके एयर्स कौन है सन एंड डॉटर एयर्स हैं इनके पास प्रॉपर्टी जाएगी तो अगर इन लोगों के पास प्रॉपर्टी है पीपल विल नॉट क्लेम मेंटेनेंस इनफैक्ट वो अपनी प्रॉपर्टी में से बाकी लोगों को मेंटेन करेंगे क्योंकि इनकी ऑब्लिगेशन बनती है पर्सनल नहीं है लेकिन इनकी ऑब्लिगेशन है क्योंकि दे हैव इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर बट गाइज आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि फिर हम सन एंड डॉटर को यहाँ पे पढ़ते क्यों हैं अगर इनको प्रॉपर्टी मिलती है तो मेंटेनेंस में डिपेंडेंट्स हम इनको क्यों स्टडी करते हैं वो इसीलिए गाइज क्योंकि कई बार क्या होता है सक्सेशन की बजाय टेस्टामेंट्री सक्सेशन होती है टेस्टामेंट्री सक्सेशन का सिर्फ इतना मतलब है कि कल को अगर इनके फादर जो डिसीज हिंदू हैं अगर वो कल को वसीयत लिख के चले जाते हैं यानी कि प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देने के बजाय किसी और के नाम कर जाते हैं कि मेरी डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी सो एंड सो पर्सन को ट्रांसफर कर दी जाए उस टाइम पे फादर ने रिस्ट्रिक्ट कर दी कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को नहीं जाएगी तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि वसीयत लिख के विल लिख के एक पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी को एलिनेट कर दिया किसी और के नाम कर दिया तो उस सिचुएशन में इन बच्चों के पास प्रॉपर्टी नहीं आएगी एंड देन दे आर डिपेंडेंट्स ये उस इंसान से क्लेम करेंगे जिसके पास प्रॉपर्टी इनके फादर की जाएगी आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराइट राइट को पार्सनर्स होते हैं उसके बाद वी हैव सन यू नो ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन इनका भी वही सिचुएशन है कि इनको भी प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस मिलेगी लेकिन सिर्फ तभी मिलेगी अगर ये इंसान अपने फादर की प्रॉपर्टी से या अपनी मदर की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस नहीं ले पा रहा क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन इसके फादर और मदर के साथ है सिमिलर इसी सिचुएशन विद ग्रेट ग्रांडसन ऑफ दिस पर्सन डायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टी से इसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी ही विल बी एबल टू क्लेम मेंटेनेंस ओनली इफ ही इज़ अनएबल टू क्लेम मेंटेनेंस फ्राम हिज फादर्स प्रॉपर्टी हिज मदर्स प्रॉपर्टी हिज ग्रेट ग्रैंड फादर्स प्रॉपर्टी और इज ग्रेट ग्रैंड मदर्स प्रॉपर्टी तभी वो सिचुएशन यहाँ पर आएगी तो सीडिया में ऊपर चढ़ते जाने और देख देखते जा रहे हैं कि मेंटेनेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी सो इट इज ओनली टू सम एक्सटेंट कि आपको मेंटेनेंस मिलती है डिपेंडेंट से सारे ही हैं लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू सर्टन रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस वो अगर पूरी होंगी तो आपको मेंटेनेंस मिलेगी आई होप वाइज आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है अब वाइज सेक्शन ट्वेंटी टू यही है बस थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर सबसे थ्री एंड सबसे फोर इज वेरी इंपॉर्टेंट उसको डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन ट्वेंटी टू सबसे थ्री हमें सिर्फ यही बोलता है कि जिस इंसान ने प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है अब उस इंसान पर लाइबिलिटी है कि बाकी लोगों को मेंटेन करना है जो डिपेंडेंस उनको मेंटेन करने की आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कई होता है कि, कि जब एक इंसान प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है हर इंसान को इक्वल प्रोपोर्शन में प्रॉपर्टी नहीं मिलती है इस इंसान की प्रॉपर्टी इसके लीगल एयर्स के पास जाएगी लेकिन बहुत सारे एयर्स होते हैं बहुत सारे वारिस होते हैं और सबके पास प्रॉपर्टी फॉर सम रीजन एकजुट नहीं जाती तो जिस इंसान के पास जितना प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी का जाएगा जितना शेयर जाएगा उसकी वैल्यू के विद रिस्पेक्ट आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना है टू दी मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंस राइट right. किसी को टेन परसेंट शेयर मिलेगा किसी को ट्वेंटी परसेंट किसी को थर्टी परसेंट तो वो जो आपका रिस्पेक्टिव शेयर है जो प्रोपोर्शन आपको प्रॉपर्टी से मिली है उसकी जो वैल्यू होगी उसके विद रिस्पेक्ट आपको मेंटेनेंस देनी है एंड सब सेक्शन टू ऑफ दैट कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो डिपेंडेंट है लेकिन उसको प्रॉपर्टी मिली है अब ये सिचुएशन आप ले लो बॉय एंड गर्ल की जो सन एंड डॉटर है फॉर एग्जाम्पल सन एक ऐसा इंसान है जो डिपेंडेंट भी है लेकिन जिसको प्रॉपर्टी मिल गई अब क्योंकि वो लीगल एयर है अब लीगल एयर होने के नाते उसको खुद को मेंटेनेंस नहीं मिलेगी इनफैक्ट जो प्रॉपर्टी उसको मिली है उस प्रॉपर्टी में से बाकी लोगों को मेंटेन करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी अब गई फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इस इंसान को प्रॉपर्टी मिली इसका जो भी रिस्पेक्टिव शेयर था उसके विद रिगार्ड्स आपको मेंटेन करना होगा लेकिन का ये लिखा है कि अगर इस इंसान की जो ऑब्लिगेशन है टू मेंटेन डिपेंडेंस ऑफ दिस डिसीज उस ऑब्लिगेशन को पूरा करते करते उस ऑब्लिगेशन को एन्फोर्समेंट के दौरान अगर ऐसा हो कि जो यू नो शेयर इसने डिपेंडेंट्स के लिए निकाल दिया निकालने के बाद जो उसके पास बच गया फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड रुपीज़ इसको मिले थे हंड्रेड रुपीज़ इसको मिलने के बाद इसने क्या किया प्रॉपर्टी मिली वर्थ हंड्रेड रुपीज़ वेरी हाइपोथेटिकल वर्थ हंड्रेड रुपीज़ अब गाइस डिपेंडेंट्स के मेंटेनेंस को निकाल देने के बाद उसके पास ट्वेंटी रुपीज़ बचते हैं एटी रुपीज़ निकल गए ट्वेंटी रुपीज़ उसके पास बचते हैं तो वो जो ट्वेंटी रुपीज़ उसके पास बचे वो वैल्यू इतनी कम है कि अगर वो मेंटेनेंस लेता एज अ डिपेंडेंट एक्चुअली वो मेंटेनेंस लेता तो वो मेंटेनेंस भी उस वैल्यू से ज़्यादा होती तो मान के चलो कि हर एक डिपेंडेंट को थर्टी रुपीज़ मेंटेनेंस के मिलते हैं और इस इंसान को प्रॉपर्टी मिली क्योंकि प्रॉपर्टी मिली तो उसने बाकी लोगों को मेंटेन करना था उनको मेंटेन करने के बाद इसके पास जो बचता है वो इतना कम है कि वो उससे भी कम है जितना उसको तो दोटेन करना है एक जगह आप डिपेंडेंट तो हो लेकिन आपने लोगों को मैंटेन करना है आपको कोई मेंटेन नहीं करेगा क्योंकि आपके पास तो प्रॉपर्टी आ चुकी है तो अगर प्रॉपर्टी लेने के बाद आपके पास शेयर इतना कम बचता है जो आपको मेंटेनेंस अगर मिलती तो उससे भी मैंटेनेंस उससे ज्यादा होती तो उस इंसान को फोर्स नहीं किया जाएगा आप आपके पास प्रॉपर्टी है लेकिन उसको नहीं कहा जाएगा कि आप इस प्रॉपर्टी में से किसी इंसान को मेंटेन करो क्योंकि अगर वो मेंटेन कर देगा तो जो उसके पास बचेगा वो इतना कम है इससे अच्छा वो मेंटेनेंस ले लेता एज अ डिपेंडेंट ऑलराइट आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है दिस वॉज ऑल अबाउट मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट जहां पर हमने देखा कि डिपेंडेंट्स कौन होते हैं किस किस रिलेशन को हम डिपेंडेंट मानते हैं कभी कभी उसी रिलेशन में हमारे पास इन एयर्स भी लीगल एयर्स भी आ जाते हैं और उस सिचुएशन में फिर लाइबिलिटी टू मेंटेन डिपेंडेंस ऑफ डिसीज किस तरीके से एनफोर्स होगी वो भी हमने डिस्कस कर लिया अंडर सेक्शन 22 सो आई होप इज दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू स्टिल इफ स्टिल्स फॉर अटेनिंग टू इट प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट इन द कॉमें बॉक्स आई बी रिप्लाइंग डाउट्स एंड टिल देन क्वारीजिलइज कीप लर्निंग कीप शाइनिंग सेफ एंड बाय